हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं आलू वाले नान, कुछ हटके। तो आज अम्मी बनाने वाले आलू वाले क्या आलू के? आज आलू और चीजी नान बनाऊंगी मैं, कुछ हटके बनाएंगे। लेकिन अभी मैंने आलू का पराठा सुना था, ये आलू वाले नान कभी नहीं सुने देना, ठीक है? आज आलू वाले नान भी देख लेना। तो मतलब पराठा नहीं है, नान अलग होगा? हाँ, नान अलग होगा। ऐसा जैसे आलू पराठा ऐसा खाली खा लेते हैं, वैसा ये खाली चीज नान भी ऐसी खाने का या फिर किसी के साथ? नहीं नहीं, किसी के साथ खाया जाता है। अच्छा, मतलब एक तरीके का नान ही है जो कि आप सालन या शिरवे के साथ, कोरमा यानी के नान खलिया हो गया, कोरमा हो गया, चिकन का सालन हो गया, सबके साथ। तो फिर कौन सा सालन बनाने वाले आज? मैं आज खाली नान बनाऊंगी, सूखे नान खिलाऊंगी। तो तुम चीज के नान बनाएगी या खाली नान? चीजी नान बनाएंगे। अभी तो बोले खाली नान बनाऊंगी। तो भाई आज अम्मी ना कुछ अलग तरीके से रहा चीज के, हाँ। उसमें आलू डाल के नान बनाने वाले हैं, हाँ। तो फिर आटा वाटा नहीं डालेगी? हाँ, मैदे के आटे से ही बने। तो मतलब समझ जा, आज अभी ना मैदे के आटे के अंदर चीज और आलू ऐसा सब कुछ डाल के नान बनाने वाले, हाँ। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। आज अम्मी आलू वाले नान बनाने के लिए क्या क्या लेंगे देखो। चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम आलू, मैदे का आटा, मोजरेला चीज, शक्कर, ड्राई ईस्ट, दूध, कलौंजी, रिफाइंड ऑयल। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले नान के लिए हम आटा गूंध लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा बाटी गर्म पानी ली हूँ, यानी के कुनकुना, तो मैं ये डाल दूंगी सबसे पहला इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे ये ईस्ट, ये हर दुकान में मिल जाती है। हाँ, पहले ये मिलती नहीं थी लेकिन अभी हर दुकान में मिलने लगी है। तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि यहाँ मैं 2 चम्मच ली हूँ। मेरा चम्मच का साइज भी देख लीजिए, छोटा है और एकदम फ्लैट करके ली हूँ मैंने, एकदम फुल भर के नहीं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 चम्मच शक्कर डाल देंगे हमें। लेकिन ये चम्मच यीस्ट से होता क्या, वो बताओ। इससे ना हमारा जो फर्मेंटेशन जो है ना वो फटाफट हो जाता है, आटा फूल जाता है, सोडे का काम करता है, यानी कि आप समझ जाइए इनो सोडा वगैरह जो हम डालते हैं ना उसका काम करता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच शक्कर डाल दी हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा शक्कर को घोल लेंगे। और ये खसखस जैसा दिखता है ना? खसखस जैसा दिखता है, दाने जैसा। अगर आपको ये यूज नहीं करना है तो आप 1 पाउच भर के इनो डाल देना, ठीक है? या फिर आधा चम्मच सोडे का इस्तेमाल कर लेना, ये दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी शक्कर अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। यहाँ पर मैंने ये 4 वाटी भर के आटा ली हूँ, यानी के 1/2 किलो आटा है ये, ठीक है? हमें यहाँ पे ईस्ट को फूलने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, हम उसी तरह डाल के गूंध लेंगे। यहाँ मैं 1/2 किलो आटा ली हूँ। अगर आप 1/4 किलो आटा ले रहे हैं तो 1 चम्मच ईस्ट लेना और 1.5 चम्मच शक्कर लेना, ठीक है? यहाँ मेरा 1/2 किलो आटा है इसलिए मैंने 2-2 चम्मच भर के ली हूँ, 2 चम्मच ईस्ट ली हूँ और 3 चम्मच शक्कर ली हूँ, वो भी छोटा छोटा ली हूँ, ठीक है? अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा नमक। नमक मैं मेरे हिसाब से ले रही, आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है? अब इसको मैं आराम से यहाँ पे कुनकुने दूध से गूंदूंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। और ये कितना दूध है? 1 वाटी, 1 वाटी भर के है। हम इसमें कुनकुना पानी भी थोड़ा सा लेंगे, अगर कम पड़ेगा तो दूध हमारे को, ठीक है? तो इसमें अभी हम ये सब दूध डाल देंगे क्योंकि ये दूध हमको कम ही पड़ेगा क्योंकि हमारा 1/2 किलो आटा है। और आटा यहाँ पे मैं नरम ही लगाऊंगी, एकदम सख्त बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, ठीक है? तो यहाँ पर दूध अच्छे से मैंने पूरा मिक्स कर ली हूँ। अब हम यहाँ पे हाथों की मदद से आटे को अच्छे से गूंदें। वाह! ये देखो स्पैचुला पूरा निकल गया, हाँ। अब इसको हाथों की मदद से हम अच्छे से गूंद देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2-4 चम्मच गर्म पानी भी ऐड करी हूँ इसमें ताकि आटा अच्छा नरम हो जाए। अब क्या करेंगे हम, इसमें हम डालेंगे 3-4 चम्मच तेल क्योंकि पानी खत्म हो गया अपने ना।
नहीं, अब इसको बैलेंस करने के लिए जो ये चिपक रहा है ना, इसके लिए हमको, और आटा हमारा अच्छा, नान हमारा नरम बने इसके लिए भी हमको ज़रूरत पड़ती है तेल की। अब ये आटा जितना चिपके हुआ है ये सब बराबर आ जाएगा लेवल में। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल के अच्छे से मसल ली। यहाँ पे अभी बॉल देखिए कैसा साफ हो गया तेल डालते साथ। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे तेल डालेंगे बाउल में, थोड़ा सा ये जो बचा हुआ है हमारा ये डाल के अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ और इसको रख देंगे। अब इसको ढक के पूरा एक घंटा रखना है, एक घंटा नहीं तो 45 मिनट तो बिल्कुल ही रखना है अच्छे से गर्म जगह पे, ठीक है। जब ये फूल जाएगा जब भी हमारे नान अच्छे बनेंगे, तो अब इसको एक घंटे के लिए रख देते साइड में, ठीक है। तो आटे को हमने रखे हैं एक घंटे के लिए, जब तक हम हमारा दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू ली हूँ 350 ग्राम, मैंने इसको एक बड़े बड़े टुकड़े में कट कर ली हूँ। अब हम इसको बॉईल करने के लिए चढ़ाएंगे एक बर्तन में बिना पानी के। तो यानी कि बिना पानी के आलू बॉईल करेंगे? हाँ। लेकिन हमें क्यों ये, इसमें पानी ज्यादा सोखेगा नहीं, पानी कम रहेगा तो हमारे नान अच्छे बनेंगे, इसलिए इसको हम डाल देंगे ऐसा बर्तन में अच्छे से। अब यहाँ पर हमने कुकर चढ़ा दिए है, जुगाड़ू ओवन। हाँ, तो कुकर में मैंने पानी डाली हुई एक गिलास, और इसमें एक ये रख दी हूँ जाली, इसके ऊपर हम ये रख के ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दी हूँ, बिना पानी के मैंने आलू रख दी हूँ अंदर। अब इसको मैं पूरी 4 सीटी लगा दूंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, 4 सीटी की जगह मैंने 7 से 8 सीटी कर दी, क्योंकि मेरे आलू के पीस बड़े बड़े थे, ठीक है। और अच्छे रहेंगे तो 10 सीटी? नहीं नहीं, 8 सीटी में तो गली जाएंगे माशाल्लाह। अब देखो आलू पे भी डिपेंड करता है ना, बहुत से आलू जल्दी गल जाते हैं, बहुत से आलू नहीं गलते हैं। तो यहाँ पे आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं बिना पानी के। बिना पानी के अब हम इसको निकाल लेंगे और इसके छिलटे उतार लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू के छिलटे निकाल ली हूँ और हल्का सा ठंडा भी कर ली हूँ इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मैश अपने हाथ से। एसी के नीचे रख के ठंडा कर रहे थे ना? हाँ। टाइम कम रहता ना मैं अपने पास। हाँ, इसको अच्छे से मैश करना, इसमें आलू एक भी दाना नहीं आना चाहिए, एकदम अच्छे से जैसा मैं कर रही हूँ, एकदम अच्छे से जैसा मैंने बताया था ना। हाँ, देख रहे ना आप लोग ने मैंने कैसा गलाई हूँ बटाटे को, आप भी गला लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने आलू को मैश करी हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक इतना ही डालिए जितना आपको ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने हिसाब से डालिए, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ क्योंकि हमारे मैदे में भी नमक है, ठीक है। अब मैं इसको 1-2 मिनट और इस तरीके से मसल लूँगी ताकि हमारा नमक आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें कोलगेट में नमक रहता है ना? तुम्हारे मैदे में नमक है बोले तुम? मेरे मैदे में भी नमक है, मेरे आलू में भी नमक है, मेरे खाने में भी नमक है। नमक बिना तो खाने में जायका ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने नमक अच्छे से मिक्स कर लिए है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, एक 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 बॉल बना लेना है, जितना हमको नान बनाना है ना उतना बड़ा। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमको इसमें चीज़ भी डालना है, है कि नहीं। ये नींबू के बराबर मैंने एक आलू का अच्छे से बॉल बना ली हूँ। अब हम इसको जैसा आलू का पराठा बनाते हैं ना, आटे को कैसा करते हैं जिसमें हम आलू की स्टफिंग भरते हैं, बस इसी तरीके से इसको बना लेना। और ये तो पूरा आलू है ना? हाँ, ये तो पूरा आलू है, इसमें मैदा नहीं है, ये आलू है सिर्फ। इसमें हम डालेंगे चीज़, ये चीज़ हमारे हिसाब से डालेंगे, हमको जितना लगता है कम ज़्यादा जो भी, ठीक है। तुम पराठा ही बना लेना। तो यहाँ पर मैं अच्छे से भर दी हूँ आलू के नान को, आलू के नान। हाँ, आलू और चीज़ के नान, चीज़ के नान। ये हमने अभी इसका कर दिया मुंह बंद, अब कुछ बोलेगा ही नहीं है ना, अब ये बोलेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे गोल गोल और आराम से सारे बॉल हम इसी तरीके से तैयार करके रख लेंगे।
ये इसी तरीके से हम सारे बॉल बना लेंगे। तो यहाँ पर लास्ट पेड़ा मेरा तैयार हो गया है चीज़ और आलू का। यहाँ पे मैंने सब पेड़े तैयार करके रख ली हूँ, ठीक है। इसको ढक के ज़रूर रखना, हाँ खुला बिल्कुल नहीं रखना। अब लेके आएंगे हमारा आटा। एक घंटा हो गया है आटे को रख के, तो चलो देखते। तो एक घंटा हो गया आटे को रख के, तो आटा यहाँ पे माशाल्लाह अच्छा फूल गया है, बाहर आ रहा है पूरा। हाँ इतना हो जाता है अम्मी? हाँ फूलता है। तो ये यीस्ट का कमाल है ना। हाँ, नो सोडा नो मैदा, ए नहीं, नो सोडा और नो बेकिंग। हाँ नो इनो हो गया कम। हाँ ये है यीस्ट का कमाल, इतना फूक जाता है। इतना फूक जाता है, है ना। अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा आटा और यहाँ निकालेंगे हमारा ये आटा। हाँ बोल रहा था अम्मी ये कितना ज्यादा हो गया, मेरी ज्यादा नहीं हो गया बेटा, वो सिर्फ फूल गया है ज्यादा नहीं होता है, फूल जाता है। अब हमारे नान भी अच्छे फूले फूले बनेंगे, समझा। तो यहाँ पे अभी हम चलाएंगे हमारा कोयता, ये हाँ ये, अरे बाप रे, हमारे पेड़े बनाएंगे अभी हम इसके बहुत छोटे छोटे। तो यहाँ पर मैंने काट ली हूँ इसका, मैं एक एक करके छोटा छोटा पेड़ा बनाऊंगी। और पेड़ा हमको उतना ही बनाना है जितना हमने आलू के पेड़े बनाए हैं। बता जरा, इतने ही पेड़े बनाने हैं हमको। तो यहाँ पे बस ये हो गया इतना बड़ा पेड़ा हमको, हमारे आलू भी रहेंगे ना अंदर, तो यहाँ पे मैं रखते जाऊँगी एक एक पेड़ा। तो चलो सारे आटे के मैंने पेड़े अच्छे से बना ली हूँ। जितने पेड़े हमारे आलू के बने थे उतने मैंने मैदे के आटे के भी तैयार कर ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, एक पेड़ा ले लेंगे यहाँ से, है ना। अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डाल के क्या आगे क्या बोलो बेलेंगे, बेलेंगे मतलब हमको ज्यादा नहीं बेलना है, हाथों की मदद से भी हम कर सकते हैं हल्का सा, लेकिन हमको यहाँ का कोर पतला करना है, साइड की जो कोर है ना वो बेलना है, बीच में मोटा रहेगा चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इतना पेड़ा बेल ली हूँ, यहाँ की साइड की जो कोर है बस इसको ही पतला बेलना है हमको, बीच में मोटा ही रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे एक पेड़ा और यहाँ रख देंगे और इसको ढक देंगे पहला, और इसको आराम से, वो है आलू चीज़ की बॉल, ये है आलू चीज़ की बॉल, है ना। ये हो गया हमारा पेड़ा तैयार, इसको हल्के हाथ से दबाएंगे, ज़्यादा इससे ताकत नहीं लगाएंगे, हल्के हाथ से, ताकि हमारा जो आलू और चीज़ है वो चारों तरफ से फैल जाए, है ना, इस तरीके से। बेलने से पहले इस तरीके से थोड़ा सा हाथों की मदद से दबा लेना, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा मैदे का आटा और इसको बेल लेंगे, धीमी हल्के हाथ से ही बेलेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इतने मोटे बेली हूँ, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा कलौंजी। ये देखो ये तो आपकी मर्जी है, डालना है डालिए, नहीं डालना है मत डालिए। यहाँ पे हल्के हाथ से हम एक बार और घुमा लेंगे ताकि कलौंजी अच्छे से आटे में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये इतना मोटा मैंने बेली हूँ, ठीक है ना, नान मोटे ही रहते हैं पतले नहीं होते हैं। यहाँ पे हमने फ्राई पैन गरम करे थे, हमने रख दिए अभी इसके अंदर ये पकने के लिए, एक मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर एक मिनट के लिए मैंने सेक ली हूँ, अब हम इसको कर देंगे पलटी। ओहो ओहो, ये ऐसी मोटा मोटा खाते ना। हाँ ये मोटा ही रहता है नान, कभी भी ये सालन के साथ, कोरमे के साथ, नान खलिए के साथ आराम से खाया जा सकता है, ठीक है, खलिए के साथ, खलिए के साथ, खलिए के साथ। अब हम नीचे का भी एक मिनट के लिए सेकने देंगे, उसके बाद ही इसको हिलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा नान अच्छे से फूल गया है ना। ओहो मस्त एकदम है, क्या नहीं, छोटा छोटा मोटा मोटा, छोटा छोटा मोटा मोटा। अब हम इसको निकाल लेंगे, इसको निकालेंगे इसमें और रख देंगे, और इसको ढक के रखेंगे, खुला बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे दूसरा पेड़ा भी मेरा तैयार हो गया, यहाँ पे भी मैंने आलू और चीज़ के बॉल अंदर अच्छे से डाल दी हूँ, हल्के हाथ से इसको दबा लेंगे।
देखो कोई बच्चा गुम गया है, मस्जिद में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बच्चा गुम गया है, 2.5 साल है उसकी उम्र, मिल जाए जल्दी से, मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमने पेड़े को दबा लिए है, इसमें डालेंगे थोड़ी सी कलौंजी और इसको अच्छे से अभी बेल लेंगे, ठीक है, हल्के हाथों से ही बेलेंगे हम, ज़्यादा इसको दबाएंगे नहीं। तो देख रहे हैं आप लोग, दूसरा मेरा नान भी रेडी हो गया है, अभी मैं इसको भी उसी तरीके से सेक लूँगी जैसा मैंने पहले से की थी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये लास्ट नान था जो हो गया है रेडी, छोटा और मोटा नान। तो यहाँ पर मैं इसको नीचे निकाल रही हूँ, यहाँ पे मेरे सारे नान हो गए तैयार, आ जाओ दावत है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ घी रखे है, इसको अब लगा देंगे हम हमारे नान पे। हाँ, आप चाहे तो बटर लगा लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे घी लगा रही हूँ, सबकी अपनी अपनी पसंद ना, इस तरीके से। ये बहुत नरम और सॉफ्ट बनते हैं, मेहमान आए ना आपके घर पे तो आप लोग जरूर बना के खिलाना इस तरीके के नान। तो मेहमान नहीं आए तो नहीं खाने का मतलब? नहीं नहीं, आप आपकी मर्जी है, अपने लिए भी बना के खा सकते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं ये। तो यहाँ पे मैंने सारे नान पे अपना घी लगा ली हूँ, आप चाहे तो बटर लगा लेना, ठीक है, ये, हाँ बहुत टेस्टी रहते हैं नान, एकदम नरम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। खोल के भी बताऊं? हाँ, एक ऐसा तोड़ के तो बताओ, मालूम तो पड़े कैसा तुम्हारा चीज खा गया और आलू का है। ओहो ओहो, गरम गरम ये देखो, गरम गरम। तो दोस्तों तैयार हो गए अपने आलू के नान, है ना, आलू के चीजी नान। हाँ, तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये खाली ऐसा दिख रहा है तो खाली ये मैदे के नान हो गए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें ना अब मैंने एकदम आलू और चीज ऐसा भर भर के डाले, और अंदर का पार्ट तो इतना सॉफ्ट है ना कि खाओगे ना तो चबाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एकदम नरम। मेरे हिसाब से शायद ही आपने ऐसा नान खाया होगा, आपने बहुत से कौन सा मैदा, मैदे के बहुत अलग अलग नान खाए होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देखो दिख रही चीज, ऐसे चीज अंदर भर भर के है, तो यार आप कोई भी सालन के साथ खाओ मजा आ जाएगा, मजा गर्मा गर्म है ये। गर्मा गर्म, ये देखो ये अलग, अम्मी ने सही कुछ नया लाया है मार्केट में, तो यार आप लोग भी जरूर ट्राई करना, और ये ना आप ज्यादातर ना मटन के सालन के साथ खाओगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो पहले से मटन का सालन लेके आ गया है, चिकन है, चिकन डाल दिए, चिकन ये मेरे नहीं, ये मटन का सालन है, लेकिन मैंने सुना था, मैंने सुना था इसमें 2-4 चिकन की बूटी डाल देना। कौन कौन करता है घर में ऐसा? भाभी को मैंने बोले, नहीं अम्मी ने भाभी को बोले थे, इसमें होश नहीं है, एक काम करें ना 2-3 चिकन की बूटी डाले। कोई बात नहीं, मटन का सालन बनाएंगे, मटन मटन ना चिकन के सालन को छोड़ दे, चिकन का सालन को कोई हाथ नहीं लगाया, तो मैं बोली मुझे तो चाहिए मटन का ही सालन, तू एक काम कर चिकन की बोटी भले उसमें डाल दे, लेकिन मेरे सालन तक मटन। मैंने वो बोला ना मटन के सालन के साथ अच्छा लगेगा, खाली सालन ही दिया, मैं चिकन हटा बहुत कमी ना, वो मेरा पेट नेम है कमी ना। बिस्मिल्लाह, कैसा एकदम अम्मी चीजी चीजी नान है यार, क्या मजा आएगा सच्ची में। अरे है ना एकदम सॉफ्ट है। हाँ, मेन बात ये कि जो आप लोगों को थोड़ा देखो ऐसे नान ज्यादातर सॉफ्ट है एकदम, सब नान ही सॉफ्ट रहते, लेकिन ये इतना सॉफ्ट है ना कि क्या बताओ। और ये देखो भाई, चिकन चिकन बोटी और मटन का सालन, आओ बिस्मिल्लाह। जिसके दांतों में भी तकलीफ है ना वो भी इजीली खा लेंगे, इतना सॉफ्ट। मेरे हाथ में पानी आ अभी अपन सब सच बताते तो ये भी क्यों झूठ बताते। मस्त है ना, अरे एक नंबर है। इसमें तो मम्मी कोथमीर नहीं डाला है नान के ऊपर? हाँ, मेरा मन था लेकिन मैं भी नहीं, आज सिंपल सिर्फ आज कलौंजी के साथ ही बनाएंगे, कोई बात नहीं, आज मुझे अच्छा लग गया, मैं भी खाऊंगी। मैं बहुत मस्त बनाया, देखो ना कौन से नान में आपने ऐसी चीज देखी होगी यार, मैं बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं देखी होगी। आलू का भी इतना अलग मजा आ रहा है, आलू का। हाँ, आलू अम्मी सिर्फ ये नान हो गया, खाली ये नान, यानी कि ऐसा नान बना के बच्चे लोग को भी आराम से दे सकते हैं ना टिफिन में, है ना, बहुत एकदम इजीली जैम के साथ, जैम के साथ दीजिए, केचप के साथ दीजिए, आराम से खा लेंगे। जो मीठे जैम आते हैं ना, नहीं खाली केचप के साथ, नहीं नहीं, जिसको मीठा पसंद आ रहा है, बहुत से बच्चों को ब्रेड जैम बहुत पसंद है, ऐसा बटर नान के ऊपर आप जैम लगा के देंगे ना, मैंगो जैम, मिक्स जैम, कोई भी जैम, तो भी टिफिन में मस्त रहेगा,
और फिर केचप तो अपना सदाबहार है ही ना, है क्या? नहीं वाह, मजे ले लेके खा रहा है। अरे यार ऐसे नाम चाहिए, मैं पता नहीं इस पर कब मिलेंगे। इसको ले लेती हूँ, जाएगा जिंदाबाद, यहाँ मजे ले लेके खा लेता है। हाँ, मैं नहीं देती ज्यादा, डाइट वाइट खराब हो जाती इसकी पूरी। तो मैं बताओ जरा टिप के, वो आटे को कहाँ रखने का, कितना देर रखने का, कितना टाइम में वो फूल जाता है? मैंने ना अभी यहाँ पे एसी चल रहा था, बहुत ज्यादा ठंडा है मेरा, ये भी सीक्रेट बता रहे हैं हमें, कमरा बहुत ठंडा है मेरा। अब मैं यहाँ रखती थी ना आटा गूंथ के, पक्का 2 घंटा लगता था मुझे, 2 से 2.5 घंटा उसको फर्मेंटेशन हो। मैं क्या करी, ओवन को थोड़ा सा चालू करी, 1-2 मिनट के लिए उसको गर्म होने दी, बाद में फिर उसको बंद कर दी। बंद करने के बाद 1-1.5 मिनट रुकी पहले, क्योंकि ज्यादा गर्म भी नहीं चाहिए, यानी कि वो आटे को पकाना नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ वो जगह गर्म रखना था हमको ओवन, ताकि हमारे एसी का जो कमरा है ना ठंडा, यानी कि मान लो मैं बचा के एक गर्म जगह पे रखना था। मान लो अगर किसी का ओवन नहीं है तो वो टोप भी, बड़े टोप को गर्म करके थोड़ा देर रखे अंदर डाल देने, मतलब गैस पे से हटा देने का, पकाना नहीं है, गैस बंद कर देने का, 2 मिनट खाली आप टोप गर्म कर दीजिए, गैस बंद कर दीजिए और आपका आटा उसमें रख के ढक्कन ढक दीजिए, आधे घंटे में एकदम आटा आपका फर्मेंट हो जाता है एकदम मस्त। मुझे 1-1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ मैं घर में बनाती हूँ नीचे, तो 1-1.5 घंटा लगता है मुझे। तो मैं क्या करती हूँ इसको, जहाँ हमारा गैस चालू रहता है, जहाँ हम खाना बनाते ना, वही कोई कोने में इसको ऐसा लपट के बड़े टावल में ऐसा लपट देती हूँ और रख देती हूँ। तो 1-1.5 घंटे में जिसके पास ओवन नहीं है वो भी ऐसा रख सकते हैं, आराम से हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या यहाँ बताना रहता है, थोड़ा टाइम का कमी होता है, तो यहाँ पे भी चलो मैं बोली ओवन तो आया है ना, कुछ तो काम आना चाहिए कि नहीं। कुछ तो नहीं, वो फिर भी बहुत कुछ काम आता है, भले से हम चैनल पे उसको कम यूज करते हैं, गरम कर करके बहुत यूज होता है, बहुत डोनट खाए जा रहे हैं गरम करके। तो भाई फिर एक बार हमको जिसने वो ओवन भेजा उसको थैंक यू दिल से। तो खत्म हो गया ना? हाँ फिर मजा आ गया। तो भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ये नान की रेसिपी सही में अलग है, आप जरूर अपने घर पे ट्राई करना, बहुत मजे के बनते हैं ये, और ये ज्यादा बड़े भी नहीं है, ये साइज के 2 भी आप खाओगे ना आराम से खा लोगे। हाँ मेरे बच्चे लोग को 2 काफी हो जाता है, शेरू को भी 2 बस बहुत हो जाता है, ये भी 2 खा ले बस बहुत हो जाता है। और ये कच्चा बिल्कुल नहीं रहता, ये ऐसा फूलता है, फूलाता ना, फूल के अंदर तक सिक जाता है पूरा। और आलू तो हमारे पके हुए रहते हैं, है ना, तो ऊपर से ही सेकना रहता है। मैंने तो देखो ये उतारने के बाद इसमें घी लगाई, आप पकने के टाइम पे भी आपकी मर्जी है तो घी डाल के आप सेक सकते हो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैंने नीचे उतार के घी लगाई तो आप भी लगाइए, आप सेकने के टाइम पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अलग अलग रेसिपी ला रहे किसके लिए, आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब करो, कहाँ जा रहे भाई, सब्सक्राइब करो। हाँ और ये नान जरूर बनाना, कोई स्पेशल मेहमान आपके आएंगे ना तो जरूर चीज के नान, आलू के नान। और हाँ ये आलू मैंने जो बताई हूँ बिना पानी के बॉईल करने का, ये भी नया तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। हाँ। जो हमको बॉईल करके फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बॉईल करने के बाद छानने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधा बिना पानी के गैस कुकर के अंदर रखिए, आप अगर आलू के पीस छोटे छोटे करते हैं तो 3-4 सीटी में गल जाएंगे, आपके आलू के पीस बड़े रहे तो 7-8 सीटी लग जाएगी, ठीक है। और उसको मैश करने के टाइम पे आप आलू में जो मोटे मोटे टुकड़े रहेंगे या किसी का आलू पूरी तरीके से नहीं गला रहेगा, तो उसको मैश करने के टाइम पे कड़क कड़क जो टुकड़े आएंगे उसको साइड में निकाल लेना, आपके नान फटने नहीं चाहिए, ठीक है। चलो तो भाई सबसे पहले ना वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक अलग और न्यू रेसिपी लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को पता कैसे चलेगा, आप लोगों की वजह से आप लोग शेयर करोगे तब, ठीक है। तो भाई वीडियो को भी शेयर कर देना। तो चलो अब चलते हैं, चलते तो भाई जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। याद रखना अपना ख्याल रखना।